Hi there. So today we are going to learn onion. It seems so simple. इतना सिंपल सा रोजमर्रा का हमारा एक वेजिटेबल है, बट इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो हम पहले इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, इसका शेप देखिए और उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे. ड्रॉ करने के बाद हमने नोटिस किया कि इसके ऊपर कुछ कर्व लाइंस होती हैं इसके पील के ऊपर. ठीक है, तो इसमें हम जो कलर्स ले रहे हैं वो हैं बंसियाना, क्रिम्सन, कोबाल्ट ब्लू एंड लिटिल बिट ऑफ स्कारलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वील मिक्स क्रिम्सन इन बंसियाना, तो वो थोड़ा सा प्याज का जो अनियन कलर है वो आ जाता है. ये थोड़ा सा ये वाला जो अनियन है थोड़ा ब्राउनिश ज़्यादा है. अनियन ऑल्सो हैज मैनी वेराइटीज, तो उसमें कुछ मरून कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं रॉ बिल्कुल इंडियन वाले. तो अभी हम यही वाला पेंट कर रहे हैं जो मेरे हाथ में है. मे बी बिकॉज ऑफ लाइट थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, बट वेन यू विल अप्लाई यू विल गेट द नाइस इफेक्ट. ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर के बाद हमने सेकेंड लेयर करी, मेंटेनिंग द हाईलाइट. एंड डिड यू नोटिस वन थिंग, मेरे ब्रश स्ट्रोक्स जो शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. ये देखो कर्व में, राइट, लिविंग द हाईलाइट्स. ये नीचे उसका, एक्चुअली ये ऊपर होता है ये वाला पार्ट जिधर स्प्रिंग अनियन होता है ना, ग्रीन सूखने के बाद वो होता है. ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे वो बनाए हमने. ये देखिए, उसको ब्लैक दिखाने के लिए हम ब्लैक नहीं यूज करते हैं, ब्राउन में अगर हम थोड़ा सा कोबाल्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है डार्क कलर का. एंड यू सी little bit of depth here and there. अब burnt sienna में अगर हम थोड़ा gamboge मिलाते हैं तो वो raw sienna बन जाता है जो कि इसका roots का color है. Observe properly. I am using my brush strokes in curves to get the round shape. And here the shadow again. Do you remember which colors I have used for shadow? Yes, the same old color and old palette also I am using. एक कलर निकाल लेते हैं, बार बार उसको यूज करते हैं. तो इसमें हमने यूज किया है कोबाल्ट ब्लू, ये देखो थोड़ा सा स्कारलेट है तो वो ब्राउनिश टोन दे रहा था, थोड़ा ग्रेश. एंड हियर आई एम कटिंग दिस अनियन टू शो यू द कट पार्ट. ये देखो इसके अंदर लेयर्स होते हैं. लोगों को बहुत मुश्किल लगता है पर अभी मैं आपको बता रही हूँ इट्स रियली इजी टू ड्रॉ एंड पेंट एज वेल. अगर कोई भी चीज आप सामने हाथ में लेके उसको स्टडी करके बनाओगे तो आपको एकदम परफेक्ट शेप मिलेगा. बीच में एक थोड़ा आई जैसा होता है और ऊपर रूट का शेप होता है. जस्ट ऑब्जर्व. नाउ आई एम टेकिंग क्रिम्सन रेड, लॉट्स ऑफ वाटर एंड लिटिल बिट ऑफ कोबाल्ट ब्लू टू मेक द पर्पलिश कलर. सी हाउ लाइट इट इज, डोंट मेक इट पिंक और वॉयलेट, इट्स जस्ट very light tone of purple.
अब बिल्कुल टिप ऑफ द ब्रश से इसके, अच्छा ये हमने जो नीचे रूट वाली जगह होती है वो दिखाई, लाइट गैम्बोच लगा के थोड़ा सा उसमें ब्राउनिश मिक्स करके बिल्कुल वाटरी सा, एंड देन द कलर विच आई हैड मेड पर्पल, या जस्ट लुक हियर, जस्ट विद द टिप ऑफ द ब्रश, और ये पूरे पे नहीं आता है, हाफ इस साइड हाफ उस साइड, एंड बीच का पार्ट देखो थोड़ा आई शेप का होता है वो वाइट कलर का, बीच में ऐसा जैसा दिखे आपको वैसा बनाना, हर में एक डिफरेंट सा कुछ होता है बीच में, लग रहा है ना नेचुरल, दिस इज द साइड पार्ट जो कि हमें हमेशा जब हम हाफ कट कोई चीज रखते हैं तो दिखाई देता है। Little bit of depth here and there. Depth again. Final touch-ups, and here is the final picture. Please like, share, subscribe, and follow. Thank you.